Swayam Prabha, Digital India, Educated India. Good afternoon. My name is Dr. Raja Kumar Singh, Assistant Professor, Faculty of Law BHU. This is my seventh lecture, and I would like to discuss law relating to sedition. Each and every aspect of sedition will be discussed in this classroom. प्रस्तुतिकरण का विषय मैंने हिंदी रखा है और हिंदी भाषी छात्रों को ध्यान में रखते हुए किया है मैंने राजद्रोह से संबंधित स्टैचु लॉ जो भारतीय संहिता के अंतर्गत राजद्रोह की धारा राजद्रोह को कैसे दंडनीय बनाया गया उससे संबंधित अभी तक के उच्चतम न्यायालय के निर्णय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट क्या हैं सिटीजन से राजद्रोह से और हाल के वर्षों में राजद्रोह के मामलों में न्यायपालिका की न्यायालय की क्या भूमिका रही है इससे संबंधित बातों को आपके समझ रखने जा रहा हूं जिससे मुझे पूरा विश्वास है कि यह विधि के क्षेत्र में और विशेषकर उन छात्रों के लिए जो पी जे और ए की परीक्षा कर रहे हैं उन तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा जो विश्वविद्यालय स्तर पर और डिग्री कॉलेज में लॉ ग्रेजुएट हैं उनके लिए भी ये यह विषय बहुत ही रुचकर होगा और मैं इसको धारा एक सौ क के जो राजोह राजद्रोह को डिफाइन किया गया है पनिशेबल बनाया गया है उसके सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैंने लेक्चर तैयार किया है और पूरा विश्वास है कि आपकी समझ में आएगा जिससे आप लाभान्वित होंगे तो पहले तो वो भारतीय जनसंहिता की धारा एक क जो राजद्रोह को अपराध घोषित करती है और धारा एक क में क्या लिखा हुआ है उसको मैं बताना चाहूँगा उस स्लाइड के माध्यम से आप देखें इस स्लाइड में मैंने एक नेचर ऑफ इसको ऑफेंस को बताया कि अपराध की प्रकृति क्या है और इसमें संबंधित जो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विश्राणी प्रश्न आया राजद्रोह से संबंधित वह भी मैंने केस लिखा है तो पहले मैं धारा एक जो कानून है बेयर एक्ट में जो लिखी गई भाषा है उसको बताऊंगा फिर राजद्रोह के आवश्यक तत्व तो क्या है किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति के बोले गए शब्दों से या राजद्रोह का अपराध गठित होता है तो उस व्यक्ति को राजद्रोह का मुकदमा लाने के लिए राजद्रोह की धारा लगाने के लिए किन किन तत्वों का न्यायालय के समक्ष अभियोजन के द्वारा साबित किया जाना आवश्यक होगा ये बताने का प्रयास करेंगे तो धारा 124 क का यह प्रावधानित करती है कि जो कोई बोले गए शब्दों के द्वारा संकेतों के द्वारा साइन संकेतों के द्वारा चलचित्रों के द्वारा दृश्योपण के द्वारा भारत में विध द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा या अवमानना पैदा करता है वह राजद्रोह का अपराध करता है और उसे राजद्रोह के लिए अधिकतम कारावास आजीवन कारावास अथवा तीन वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडित किया जा सकता है तो मैं राजद्रोह के धारा एक के कंटेंट को बताऊं। इसके लिए जरूरी है यह जान लेना सभी छात्रों के लिए कि जब हम कभी भी लॉ कोई भी एक आइसोलेशन में नहीं है विधि का लगभग हर प्रत्येक पेपर वो भी जो दांडिक कानून है वह तो और भी वह भारतीय संविधान दो देश की सर्वोच्च विधि है उसको कनेक्ट करके हम उसके परिपक्ष्य में ही हम सभी कानूनों को देखते हैं तो हम ये बताना चाहेंगे कि आपके द्वारा या किसी भी व्यक्ति के द्वारा बोले गए शब्दों से यदि देश की एकता अखंडता प्रभावित होती है राष्ट्र की एकता और अखंडता प्रभावित होती है वह न्यायालय की अवमानना होती है या कानून व्यवस्था के लिए आपके द्वारा दिए गए भाषण से आपकी अभ्यक्ति की अभ्यक्त किए गए शब्दों से यदि राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में होता है तो क्या नागरिक को इतनी लिबर्टी इतनी स्वतंत्रता दी जाए कि वह कुछ भी बोले या स्वतंत्रता होना या बोलने की स्वतंत्रता होना एक अलग बात है और उस बोलने की स्वतंत्रता यदि देश की अखंडता को प्रभावित करने लगे देश को देश की अस्मिता के लिए या देश की क्षेत्रीय अखंडता आ, को प्रभावित करने वाली स्टेटमेंट क्या वक्तव्य हो जाए तो ऐसी स्थितियों में क्या व्यक्ति का नागरिक का नागरिक की फ्रीडम स्वतंत्रता आवश्यक है या देश की अखंडता एकता या राष्ट्र की राष्ट्र का स्वाभिमान या राष्ट्र की नेशन की इंटीग्रिटी आवश्यक है इन परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे तो राजद्रोह और बेहतर समझ में आएगा और इसके पीछे क्यों ये बनाया गया और ये क्यों होना चाहिए इसको भी हम इस व्याख्यान के अंतर्गत बताने का प्रयास करेंगे तो भारतीय संविधान की आर्टिकल 19 के अंतर्गत सभी छात्र अवगत होंगे कि भारतीय संविधान की आर्टिकल 19 एक क के अंतर्गत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है बोलने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है दैट इज फंडामेंटल राइट जो देश की सर्वोच्च विधि संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान की आर्टिकल उन्नीस एक क के माध्यम से भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी प्रदान करता है जहाँ पर संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को एक तरफ बोलने की स्वतंत्रता प्रदान करता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आज़ादी देता है वहीं पर उसी धारा उसी संविधान के उसी अनुच्छेद आर्टिकल उन्नीस उन्नीस में बोले गए शब्दों से यदि न्यायालय की अवमानना होती है देश की एकता और अखंडता प्रभावित होती है या कानून व्यवस्था प्रभावित होती है तो उसी अनुच्छेद के अंतर्गत इस स्वतंत्रताओं पर निर्बंधन लगाया जा सकता है ऐसा प्रावधान इसलिए किया गया कि नागरिकों की स्वतंत्रता और देश की एकता और अखंडता में अगर कोई विरोध उत्पन्न होता है तो हम व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को तिलांजलि दें व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को त्याग करना होगा सेक्रीफाइस करना होगा जहाँ पे हम प्राइवेट इंटरेस्ट और पब्लिक इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट होगा हम पब्लिक इंटरेस्ट को बरीता देंगे इसी भावना से भारतीय संविधान की आर्टिकल उन्नीस एक का भी और भारतीय संविधान के आर्टिकल उन्नीस दो के दो के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंधन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करने की जवाबदेही स्टेट को दी गई है राज्य को दी गई है इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए यदि हम राजद्रोह को पढ़ने का प्रयास करेंगे समझने का प्रयास करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी छात्र सेडिसन से संबंधित कानून को समझ पाएंगे और यह प्रतियोगी परीक्षा हो या किसी भी स्तर पर आपको इसको लिखना हो समझना हो तो आप इसको समझ सकते हैं अब संविधान के आर्टिकल उन्नीस एक कर को एक बात हो गई लेकिन यदि बोले गए शब्द ऐसे हैं जो देश में विधि द्वारा स्थापित सरकार की प्रति घृणा या अवमानना पैदा करने वाले यदि वक्तव्य दिए जाते हैं तो व्यक्त तो ऐसी स्वतंत्रता ऐसे वक्तव्य ऐसे स्टेटमेंट को निश्चित रूप से दंडनीय बनाया जाना चाहिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनसंहिता के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इतनी भी न हो कि देश की एकता और अखंडता को देश के टुकड़े टुकड़े या देश को अखंड खंडित करने के के लिए हमारी बाणी हमारी भाषा हो जाए निश्चित रूप से ऐसे स्वतंत्रता पर निर्बंधन लगाया जाना संविधान सम्मत है आप सभी लोगों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी लिबर्टी हमारी स्वतंत्रता है हम बोलने की आजादी रखते हैं हम हमें अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है लेकिन राष्ट्र सरोपरि है पहले देश सरोपरि है उसकी इन बातों को ध्यान में रख करके यदि हम सिटीजन राजद्रोह को समझने का प्रयास करेंगे तो अब धारा 124 सौ कौ के अंतर्गत राजद्रोह के आवश्यकता तो क्या होंगे पहला कि बोले बोले गए शब्दों के द्वारा संकेतों के द्वारा चलचित्रों के द्वारा दृश्योपण के द्वारा कोई ऐसा वक्तव्य दिया गया हो जिससे घृणा या अवमानना पैदा की गई हो और यह किसके लिए हुआ हो यह हुआ हो दूसरा तत्व है भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार अब अथॉरिटी इस्टैब्लिश बाई लॉ भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध घृणा मानना पैदा करना बोले गए शब्दों के द्वारा दृषरूपण के द्वारा संकेतों के द्वारा टेलीविजन चलचित्रों के द्वारा यह राजद्रोह माना जाएगा मैंने दो तत्व तो तो बताए पहला तत्व तो तो बताया कि किसी व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा शब्द बोला गया हो कोई ऐसा चलचित्र दिखाया गया हो कोई संकेत कोई ऐसी कोई ऐसा दृषरूपण प्रस्तुतिकरण किया गया हो जिससे कि घृणा अवमानना या डिसलायल्टी उत्पन्न की गई हो क्रिएट की गई हो किसकी और आएस, दूसरा जो तत्व है किसके विरुद्ध गवर्नमेंट इस्टैब्लिश बाई लॉ विधि द्वारा स्थापित भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के विरुद्ध बोला गया शब्द दिखाया गया कोई चलचित्र संकेत जेस्चर, यह राजद्रोह माना जाएगा जिससे कि विधि द्वारा स्थापित सरकार में के प्रति घृणा हो पैदा की जाए उसकी अवमानना की जाए और डिसलायल्टी शो दर्शित किया जाए राजद्रोह का अपराध माना जाएगा अब इस अपराध को और गंभीर बनाने के लिए कि कोई व्यक्ति दुस्साहस न कर सके देश की एकता और अखंडता को प्रभावित करने के लिए अपराध की जो प्रकृति है वह संज्ञे और अजमानती बना दिया गया जब हम अपराध की प्रकृति संज्ञय और दोनों के एक साथ अगर देखें हम ये संज्ञे और अजमानती अपराध का उल्लेख यहाँ किया गया है तो इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता को हमें देखना होगा सी की धारा सी है दंड प्रक्रिया संहिता उन्नीस की है जिसके अंतर्गत अपराधों की गंभीरता के आधार पर वर्गीकरण किया गया क्लासिफिकेशन किया गया है कि अपराध संज्ञेय है असंज्ञेय है जमानती है अजमानती है समझने के लिए बस केवल आप इतना समझें जो अपराध जघन्य है समाज के लिए जघन्य अपराध बड़े अपराध हैं वे अपराध संज्ञेय हैं और अजमानती बनाए गए हैं और वे अपराध जो संज्ञेय नहीं हैं कम हानिकर हैं समाज के लिए और जघन्य नहीं हैं वे अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत असंगे और, और जमानती बनाए गए हैं कैसे हम इसको समझ पाएंगे कि अपराध बड़ा है छोटा है कह देने से ले मैन की भाषा में अगर आप ये बताएं कोई पूछे कि संघे अपराध क्या है अब आप, आप बताएं कि संघेय अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से है जिसे संहिता की प्रथम अनुसूची में संघे अपराध के रूप में दर्शित किया गया हो तो ये ये तो कानून की भाषा है बिल्कुल लीगल एग्जैक्ट ये है जो सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता में में दी गई है अब प्रथम अनुसूची देखने के लिए प्रथम अनुसूची में तो वे सभी अपराध होंगे जो आईपीसी में पांच धाराएं दी गई हैं भारतीय जनसंहिता के अंतर्गत जितने भी अपराध हैं ऑफेंस हैं उन सभी अपराधों को संज्ञे असंग के रूप में सीआरपीसी के प्रथम अनुसूची में दिखाया गया है तो हम जब उसका अवलोकन करते हैं उस प्रथम अनुसूची का गहनता से जब अध्ययन करते हैं तो यह पाते हैं कि संगे अपराध को अगर हमें एक वाक्य में डिफाइन करना है तो कैसे परिभाषित करेंगे मैं आपको बताऊं, इसको समझें संघे अपराध को संघे अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से है जो मृत्युदंड आजीवन कारावास अथवा तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय मामले होते हैं अर्थात वे सभी अपराध जो मृत्युदंड आजीवन कारावास अथवा तीन वर्ष अधिक के कारावास से दंडनीय हैं वे सामान्यतः संज्ञे अपराध होते हैं और अजमानती अपराध भी होते हैं मैंने एक शब्दावली इसमें यूज किया सामान्यतः इसका मतलब कि 99 नाइन परसेंट जो मामलों में गणित के रूप में बोलें तो 99 परसेंट मामलों में वे सभी अपराध भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत या किसी अन्य विधि के अंतर्गत जिसमें सजा मृत्युदंड का हो जिसमें सजा कारावास आजीवन कारावास हो अथवा जिसमें तीन वर्ष से अधिक के कारावास का प्रावधान हो वे वे संगी अपराध होते हैं और अजमानती भी होते हैं 99% परसेंट मामले इसीलिए मैंने साधारण एक परसेंट अपवाद क्या होगा कि हो सकता है कि अब सजा तीन वर्ष तक का हो लेकिन उसे संगे मान लिया गया हो और अजमानती मान लिया गया हो विधायिका की इंटेंशन विधायिका की इच्छा पर निर्भर करता है कि हो सकता अपराध में कारावास तीन वर्ष तक का ही हो लेकिन उसकी गंभीरता इतनी है कि हम उसको संज्ञेय मान लें अजमानती मान लें इसी को ध्यान में रखते हुए जैसे चोरी का अपराध है चोरी में सजा मैक्सिमम सजा कितनी है तीन वर्ष की है और जुर, अथवा जुर्माना है धारा थ्री सेवेंटी नाइन में दंड दिया गया है मैक्सिमम तीन वर्ष की सजा चोरी का हो सकता है तो चोरी का अपराध तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है लेकिन वह संज्ञेय है और अजमानती है जो नेचर ऑफ ऑफेंस है वह संज्ञेय है और अजमानती है तो इन दो बातों को ध्यान में रखना है जो मैंने परिभाषा बताई यस वह विश्लेषण वह प्रथम अनुसूची का विश्लेषण करने के पश्चात बताई कि तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय सभी अपराध सामान्यतः संज्ञेय और अजमानती अजमानती होते, जमांत, होते हैं उसका कारण यह है कि ये ज़्यादा गंभीर अपराध माने गए हैं लेकिन उसका एक अपवाद केवल है जैसे चोरी है तो चोरी में सजा तीन वर्ष तक का है मैक्सिमम सजा तीन वर्ष का है लेकिन वह चोरी संगे बना दिया गया है और जमानती बना दिया गया है तो कानून में नियम और अपवाद बहुत चलता है और ये कहा जाता है कानून में कि अपवाद कभी कभी अपवाद नियम से ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं महत्वपूर्ण हो जाते हैं तो इन दो बातों को ध्यान में रखना है अब संगे अपराध की परिभाषा मैं राजद्रोह को बता रहा था साथ ही साथ मैं ये बताने का प्रयास कर दिया कि अगर इसको संगेह अपराध एक साथ अगर इस तरह से हम पढ़ें को कनेक्ट करके कोरिलेट करके जैसा कि मैंने बताया कि कोई कानून अपने आप में आइसोलेट नहीं पृथक करके हम नहीं पढ़ सकते कि इस कानून को हम दूसरे पेपर से अगर जोड़ सकें संविधान से जोड़ सकें तो हमारी समझ और अच्छी होगी और अपरिपक्व होंगे और हम प्रश्न को अच्छे तरीके से कर पाएंगे समझ पाएंगे तो अब राजद्रोह का अपराध संगेह है और अजमानती है मैंने बताया सीआरपीसी में पी और में को डिफाइन किया गया और सीआरपीसी की प्रथम अनुसूची में दो अनुसूचियां हैं फर्स्ट शेड्यूल सेकेंड शेड्यूल प्रथम अनुसूची में प्रथम अनुसूची के अंतर्गत संगे एक लिस्ट दी गई है अपराध का नाम अपराध की प्रकृति किस न्यायालय के द्वारा विचारणी एक इस प्रकार का वर्गीकरण किया गया है सभी छात्रों को एक रफली एक आइडिया होना चाहिए जो बड़े अपराध हैं हत्या है लूट है डकैती है दहेज हत्या है बाइगेमी है चोरी है कुछ ऐसे अपराध हैं जिसका कि सामान्यतः नेचर समझना चाहिए उसमें कंठस्थ करना चाहिए आत्मसात कर देना चाहिए कि ये संजेय हैं कि असंगेय हैं अजमानती हैं क्या हैं नेचर ज़रूर मालूम होना चाहिए विशेषकर वे धाराएँ जो आपके सिलेबस में हैं न्यायिक सेवाओं में सिलेबस में हैं ए की परीक्षा में सिलेबस में हैं या सिविल सेवा परीक्षाओं में सिलेबस में हैं उन अपराधों के नेचर को ज़रूर जानें जिससे कि आप परीक्षाओं को क्लियर कर सकें और मैं ये बार बार इस बात को रिपीट करता हूं क्योंकि मेरा इस छात्रों के प्रति एक विशेष आग्रह रहता है कि जो विशेषकर तैयारी कर रहे होते हैं छात्र हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं की सिविल सर्विस हो जुडिशरी का हो उसमें अगर इन धाराओं को या इस रणनीति के साथ अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो कामयाब होंगे तो मैंने बताया कि प्रथम अनुसूची में संज्ञय अपराध और असंगय अपराध जमानती अपराध और अजमांति अपराध परिभाषा पहले कैसे लिखेंगे संज्ञ अपराध की अजमांति अपराध की कि संज्ञय अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से है जिसे संहिता के प्रथम अनुसूची में संज्ञय अपराध के रूप में दर्शित किया गया है और अजमानतीय अपराध से तात्पर्य उन अपराधों से है जिसे संहिता के प्रथम अनुसूची में अजमानती अपराध के रूप में दिखाया गया है दर्शित किया गया है ये परिभाषा विशुद्ध रूप से ये हो गई जो कानून में दी गई है अब समझने के लिए समझाने के लिए क्या इसकी दूसरी परिभाषा है जो मैंने अभी जस्ट बताया कि तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध संज्ञे होंगे अजमानती और, और तीन वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध असंग और, और जमानती होंगे तो ये स्पष्ट संतर आप सभी दोनों लोगों आप सभी को दोनों में मालूम होना चाहिए तो जैसा कि मैंने बताया अब राजद्रोह पर आए राजद्रोह संघीय अपराध है और अजमानती अपराध है नेचर मैंने लिखा है स्लाइड पर अब इसमें देखते हैं केस के माध्यम से और हम समझ पाएंगे कि यह कानून राजद्रोह का कानून कितना विवादास्पद रहा है ऐसा कहा जाता है कि ये मैं बहुत ही पॉइंट की बात सभी छात्र इस बात को नोट कर लें ये ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान का सबसे विवादास्पद प्रावधान कौन सा रहा है इंटरव्यू साक्षात्कार में पूछा जाता है पीसीएस आई एस की परीक्षाओं में कि भारतीय संविधान का सबसे विवादित प्रावधान कौन सा है तो ये कहा जाता है कि आर्टिकल तीन सौ छप्पन जिसमें राष्ट्रपति शासन लागू करने की बात की गई है दो प्रावधान दो क्वेश्चन बनते हैं उसमें सबसे विवादित प्रावधान और सबसे विवादित पद मोस्ट डिस्प्यूटेड पोस्ट संविधान में कौन सी रही है तो वह राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर के रहा है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर पोस्ट की ऑफिस की कि कौन सी ऑफिस सबसे ज़्यादा अभी तक के संवैधानिक इतिहास में सबसे विवादत विवादास्पद रहा है तो वह राज्यपाल का पद उनके अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स कैसे अपॉइंट किया जाए नियुक्त किया जाए और दूसरा सबसे विवादास्पद प्रावधान प्रावधान का प्रोविजन की बात की जाए तो इसको इस रूप में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 356 की बात आती है ये तो संविधान में हो गया वैसे ही ऐसा कहा जाता है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सबसे विवादास्पद प्रावधान कौन सा रहा है आज तक के लीगल हिस्ट्री में स्वतंत्र भारत में भारतीय दंड संहिता का सबसे विवादास्पद प्रावधान कौन सा रहा है तो उसमें नाम आता है राजद्रोह का सेक्शन का प्रायः हम देखते हैं कि राजनीतिक फ़ायदे के लिए कभी कभी इस धारा का उपयोग किया जाता है यह उच्चतम न्यायालय ने स्वयं निर्णयों के माध्यम से या बहुत सारे मामलों में टिप्पणी भी कमेंट भी किया है कि इसका इस और राष्ट्रीय विधि आयोग लॉ रिफॉर्म कमेटी भी जो अभी गठित हुई है उस पर भी उसके पास भी ये दायित्व दिया गया है कि क्या राजद्रोह का कानून समाप्त कर दिया जाए संशोधित किया जाए या इसको लेकर के उस लॉ रिफॉर्म कमेटी को जो आपराधिक विधि में संशोधन की समिति गठित हुई है उसके पास भी ये काम दिया गया है दायित्व सौंपा गया है कि राजद्रोह से संबंधित कानून को आप देखें कि कैसे इसको रोका जाए कैसे इसमें सुधार पर, परिमार्जन किया जाए तो ये बताने के लिए मैंने आपको बताया कि भारतीय संहिता का सबसे विवादित प्रावधान राजद्रोह संविधान का सबसे विवादित प्रावधान और पद वो जो मैंने अभी जस्ट आपसे बताया अब इसमें केस है उच्चतम न्यायालय के केस के माध्यम से हम समझेंगे सिटीजन लॉ को उन्नीस का है स्क्रीन पर आप देखें केस का नाम मैंने लिखा है केदारनाथ बनाम बिहार राज ए आई आर सुप्रीम कोर्ट अब केदारनाथ बनाम बिहार राज ए आई आर सुप्रीम कोर्ट 1962 की केस है यह केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए आप इसको ये पहला केस था पहला अवसर था सुप्रीम कोर्ट को जब इस केस के माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह से संबंधित कानून पे अपना निर्णय दिया इससे पहले जो हमारा आज़ादी के पहले के जो राजद्रोह से संबंधित चूंकि 1860 की आईपीसी है बाल गंगाधर तिलक के विरुद्ध भी हमारे जो राष्ट्र राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रहे थे बाल गंगाधर तिलक के खिलाफ भी राजद्रोह का मुकदमा चला था उस केस को मैं उल्लेख नहीं कर रहा हूँ और उसको अतिरिक्त आप उसको कहीं नोट कर लेंगे इस केस में घट फैक्ट को देखेंगे पहले तथ्य क्या हुआ और उसके पश्चात सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या आया देन मैं आपके समक्ष असीम त्रिवेदी जो कार्टूनिस्ट थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो बॉम्बे में आंदोलन हो रहा था उन्होंने भी उनके विरुद्ध ये धाराएँ लगाई गई राजद्रोह के मुकदमे लगाए गए और सबसे ज्वलंत जो उदाहरण डॉक्टर विनायक सेन का मामला और फिर कन्हैया कुमार का मामला इन चार केस के माध्यम से स्टिसन लॉ को आप समझने में आप समर्थ हो पाएंगे मैं इन्हीं चार केस के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा ये चार इस पे लीडिंग केस है पहले केदारनाथ केस के हम तथ्य को आपके समझ रखना चाहेंगे और जब तथ्य मैं बोलूँगा जब फैक्ट इसका जब आपके समक्ष नरेट करूँगा तो मुझे लगता है कि छात्रों का जो निर्णय अपने आप हो जाएगा कि इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए तथ्य इस प्रकार से थे कि केदारनाथ फॉरवर्ड कम्युनिस्ट पार्टी का एक नेता है बिहार में और बरौनी एक स्थान है बिहार में बरौनी में एक जनसभा संबोधित कर रहे हैं इस मामले में अभियुक्त केदारनाथ के द्वारा बरौनी स्थित बरौनी एक जिला है बिहार में बरौनी एक प्लेस है जहाँ पे बरौनी में एक सभा को संबोधित कर रहे होते हैं उस सभा में संबोधन के दौरान कुछ ऐसे शब्द उन्होंने प्रयोग किया सर तत्कालीन सरकार के विरुद्ध जो कि आपत्तिजनक थे उस शब्दों को मैं उल्लेख करना चाहूँगा जो फैक्ट थे बरौनी स्थित सभा को संबोधित करते हुए अभियुक्त केदारनाथ के द्वारा के यह कहा गया कि इस सभा के आसपास इस सभा में भी हो सकता है कि सभा में भी सी सी के कुछ पुलिस बैठे हुए हैं और ये सत्ता पक्ष के जो कांग्रेसी गुंडे हैं जिस प्रकार से हमने ब्रिटिशर्स को ब्रिटिश नागरिकों को अंग्रेजों को भारत से बाहर फेंका वैसे ही अब समय आ गया है कि सत्ता से कांग्रेस को इस सरकार को उखाड़ फेंकना है इस प्रकार का स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। फिर उन्होंने उसमें लिखा उसी भाषण के दौरान ही उस समय विनोबा भावे के द्वारा एक आंदोलन चलाया जा रहा था पूरे अखिल भारतीय स्तर पर बिहार उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित था भूदान आंदोलन आप सभी उससे परिचित होंगे भूदान आंदोलन उस भूदान आंदोलन का उद्देश्य था कि जो लैंड होल्डिंग है उसको रोका जाए जमींदारों से भूमि लेकर के जो लैंडलेस लोग हैं जिसके पास भूमिहीन किसानों को वो जमीन दी जाए तो जमींदारों से जमीन ले लेकर के भूमिहीन किसानों को कुछ ज़मीनें दी जाएंगी और भूदान आंदोलन में उसे यज्ञ में यह आह्वान किया गया विनोबा भावे से कि जो जमींदार अपनी ज़मीन ज्यादा है उनको इसमें किसानों के लिए दें जिसके पास कि जिस जिन किसानों के पास बिल्कुल ज़मीनें नहीं हैं तो केदारनाथ के द्वारा उसी मंच से ही ये कहा गया कि भूदान आंदोलन जो एक प्रकार का छलवा है एक प्रकार का दिखावा है और यह केवल जनता को जनता को बरगलाने का कार्य किया जा रहा है जनता बेवकूफ न बने इस आंदोलन को सहयोग न करे और यह कांग्रेस पार्टी किसानों के मजदूरों के तत्कालीन जो सरकार है वह मजदूरों के शोषण कर रही है अतः अब समय आ गया है कि हमें एकजुट होकर के सरकार को उखाड़ फेंकना है ऐसे जो शब्दावली का प्रयोग किया गया के द्वारा उसी आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनके विरुद्ध भारतीय जनसंहिता की धारा एक सौ के अंतर्गत राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया अब इसी तथ्य के आधार पर मात्र इतना ही तथ्य था अब उच्चतम न्यायालय को डिसाइड करना था कि क्या अभियुक्त के द्वारा बोले गए शब्दों से प्रयोग किए गए आपत्तिजनक शब्दों से सरकार के विरुद्ध सीबीसीआईडी के विरुद्ध क्या ये राजद्रोह का मामला बनता है निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्णित किया गया कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्त के द्वारा किया गया कार्य राजद्रोह की श्रेणी में नहीं आता क्यों क्योंकि उनके द्वारा दिए गए वक्तव्य से किसी भी प्रकार से इंसाइटमेंट नहीं हुआ किसी भी प्रकार से भीड़ हिंसक नहीं हुई और न तो भीड़ को उकसाने का प्रयास किया गया अतः राजद्रोह की कोर्ट में नहीं आता अब इस निर्णय के पश्चात देखने का प्रयास करेंगे कि राजद्रोह से संबंधित दूसरा मामला डॉक्टर विनायक सेन इसमें भी थोड़ा सा एरर हुआ है इसमें डॉक्टर विनायक सेन का है और वर्सेज छत्तीसगढ़ राज्य को देखेंगे ए या आई सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर विनायक सेन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य ए आई आर सुप्रीम कोर्ट अब स्क्रीन पर आप देखें मैंने स्लाइड के माध्यम से संक्षेप में बताने का प्रयास किया है कि डॉक्टर विनायक सेन जैसे व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय जनसंहिता की धारा एक क के अंतर्गत राजद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया गया वेल मैं पुनः आपको राजद्रोह से संबंधित दूसरा सबसे महत्वपूर्ण वाद डॉक्टर विनायक सेन वर्सेस छत्तीसगढ़ राज्य एआईआर 2011 सुप्रीम कोर्ट को बताने का प्रयास कर रहा हूं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने सडिसन जैसे मामले में बेल न देने बेल देने के रूल को भी गाइडलाइन दिया दिशा निर्देश दिया अब इस केस में तथ्य क्या है फैक्ट के माध्यम से मैं बता ये चाहूँगा आप इसको देखें कि कैसे एक प्रतिष्ठित डॉक्टर को राजद्रोह के मामले में अरेस्ट कर लिया गया गिरफ्तार कर लिया और सिद्ध कर दिया गया साक्ष इस प्रकार से हैं कि डॉक्टर विनायक सेन एक पेडियाटिक डॉक्टर हैं एक फेमस डॉक्टर थे और वह छत्तीसगढ़ राज्य के पीयूसीएल हेड भी थे पीयूसीएल एक संस्था है गैर सरकारी संस्था है जिसका नाम है पी यू सी एल पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी पी यू सी एल के वह स्टेट हेड थे और पी यू सी एल जो है वह मानवाधिकार से संरक्षित मानवाधिकार संरक्षण के लिए निर्धन गरीबों के लिए जो ह्यूमन राइट्स हैं उनके संरक्षण के लिए वह संस्था कार्य कर रही है तो डॉक्टर विनायक सेन के द्वारा पी यू सी एल से जुड़ना और पी सी एल के वह प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उस संस्था के स्टेट हेड के रूप में काम कर रहे थे छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा जो नक्सलियों के विरुद्ध आंदोलन नक्सलियों के विरुद्ध जो ड्राइव स्टार्ट किए गए थे नक्सली नक्सल की समस्या छत्तीसगढ़ राज्य में ज़्यादा है नक्सलियों को समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस के द्वारा जुड़वा सुलूम ऐसे 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 संगठन बना के नक्सल को समा नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए कार्यक्रम तैयार किया गया अभियान चलाया गया अब उस अभियान में कुछ ऐसे समाचार पत्र में प्र, स्टेटमेंट प्रकाशित किए गए जिसकी कटिंग डॉक्टर विनायक सेन के घर से बरामद हुई और डॉक्टर विनायक सेन खुद मानवाधिकार संस्था से इससे पी से जुड़े होने के नाते निर्दोष की हत्या या नक्सलियों में किसी निर्दोष की हत्या को पुलिस के द्वारा एनकाउंटर करने के मामले को यह बहुत ज़्यादा स्टेट वाइज राज्यवार उठाने लगे जिससे स्टेट पुलिस स्टेट हेड के जो राज्य पुलिस प्रमुख थे उन्होंने भी डॉक्टर विनायक सेन को पुलिस मामलों में हस्तक्षेप न करने के लिए चेतावनी पहले भी दे दिया था तो मैं डॉक्टर विनायक सेन बनाम छत्तीसगढ़ राज्य के तथ्य को बता रहा था कि डॉक्टर विनायक सेन को राजद्रोह के अपराध के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया उन पर यह अभियोजन की तरफ से आरोप लगाया गया था कि वह छत्तीस रायपुर जिला जेल में सान्याल जो कि एक नक्सलवादी नेता थे उनसे लगभग जेल में 32 बार जाके मिले थे जेल में मिलने का साक्ष्य जेल अधिकारियों के द्वारा जेल रजिस्टर मेंटेन किए जेल रजिस्टर में डॉक्टर विनायक सेन के द्वारा उस नक्सलवादी नेता से मिलना साक्ष ये थी कि बत्तीस थर्टी टाइम्स जो है वह डॉक्टर विनायक सेन उस नक्सली नेता से जेल में मिले थे डॉक्टर विनायक सेन के घर से जो कुछ सीडी बरामद हुई डीवीडी बरामद हुई उसमें भी ऐसा दिया गया कि ये साक्ष था कि यह नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रों में भी उनके बच्चों को पढ़ाने का कार्य उनके बच्चों को दवाई का निःशुल्क दवाइयों का बांटने का कार्य कर रहे थे इस प्रकार के साक्ष्य अब इस साक्ष इन सभी साक्षियों के आधार पर कि एक नक्सलवादी नेता से डॉक्टर विनायक सेन का 32 टू बत्तीस बार मिलना यह दर्शित करता है कि इनका भी नक्सलवाद से समर्थन है इनका भी उन लोगों से कनेक्शन है जुड़ाव है जो राज्य के विरोधी राज्य विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं अतः इस आधार पर और कुछ ऐसे लिफलेट पाए कुछ ऐसे उनके पास से डॉक्टर विनायक सेन के पास से आपत्तिजनक दस्तावेज़ पाए गए जिसमें जो कि नक्सलवादी साहित्य थे नक्सलवादी लिटरेचर थे वह भी उनके घर से सी डी बरामद हुआ कुछ अभिन सभी साक्षियों के आधार पर डॉक्टर विनायक सेन के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इसी बीच जब उन्होंने बेल के लिए आवेदन किया जमानत उनकी नामंजूर कर दी गई जिला न्यायालय के द्वारा भी उनकी जमानत नामंजूर कर दी गई और उन्हें दोषित कर दिया गया हाईकोर्ट में अपील करने पर रायपुर हाईकोर्ट के द्वारा भी उन्हें जमानत नहीं दिया गया जिसके विरुद्ध डॉक्टर विनायक सेन के द्वारा अब अपील उच्चतम न्यायालय में की जाती है अब उच्चतम न्यायालय को डिसाइड करना है कि क्या अपीलार्थी डॉक्टर विनायक सेन का नक्सलवादी नेता सान्याल से 32 बार जेल में जाके मिलना यह उनके राजद्रोही या उनके राष्ट्रद्रोही होने की साक्ष्य को प्रमाणित करता है डॉक्टर विनायक सेन की तरफ से जो न्यायालय के समक्ष तर्क प्रस्तुत किए गए कि सान्याल भले ही वह नक्सल नेता था नक्सल लीडर था जिसको गिरफ्तार किया गया था और वह रायपुर जिला जेल में बंद था परंतु उसके इलाज के लिए जब जब भी इलाज के लिए उसे, उस सान, उस नक्सल नेता सान्याल के द्वारा बुलाया गया तो डॉक्टर विनायक सेन डॉक्टर होने के नाते चिकित्सक होने के नाते उसको जाके चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराते थे जेल में ये डॉक्टर विनायक सेन का वर्जन था डा उस सान्याल के द्वारा जो डॉक्टर विनायक सेन को पत्र लिखे गए थे पोस्टकार्ड भेजे गए थे जिसमें उसने अपने बीमार होने की बात की थी और मिलने की बात की थी वे पोस्टकार्ड भी न्यायालय के स्वंध साक्ष्य के रूप में रखे गए जिस साबित करने के लिए कि उस नक्सलवादी नेता से डॉक्टर विनायक सेन का कनेक्शन है इन सभी साक्ष्यों के आधार पर उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय इस मामले में दिया कि जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के पास किसी व्यक्ति के घर से या किसी व्यक्ति के जेब से गांधीवादी विचारधारा का साहित्य पा जाने मात्र से ही वह व्यक्ति गांधीवादी विचारधारक नहीं हो सकता ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर विनायक सेन के घर से या उनके पास से नक्सलवाद से संबंधित साहित्य का पाया जाना यह कदापि दर्शित नहीं करता कि वह नक्सलवादी हैं आप इस बात को समझें एक टिप्पणी एक कमेंट किया गया कि जिस प्रकार से एक व्यक्ति के किसी व्यक्ति के पास से गांधी महात्मा गांधी से संबंधित कोई लिटरेचर प्राप्त हो जाने मात्र से ही वह व्यक्ति के विषय में नहीं कहा जा सकता कि वह व्यक्ति गांधीवादी विचारक है ठीक उसी प्रकार से डॉक्टर विनायक सेन के पास से नक्सलवाद से संबंधित साहित्य का पाया जाना उनके नक्सलवादी होने का प्रमाण नहीं हो सकता और उच्चतम न्यायालय ने डॉक्टर विनायक सेन को दोषमुक्त करते हुए जमानत पर छोड़े जाने का निर्देश दिया आदेशित किया तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर विनायक सिंह ने केस के माध्यम से आप लोग इस, इस केस को फैट को भी समझेंगे और उच्चतम न्यायालय के निर्णय को संक्षेप में मैंने बताने का प्रयास किया अब दूसरा इस पे जो महत्वपूर्ण केस है वह है कन्हैया कुमार वर्षज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली अब यह केस बहुत ही महत्वपूर्ण था बहुत सारे मीडिया चैनलों के माध्यम से भी यह केस दिखाया गया और मुझे ऐसा लगता है कि छात्रों में बहुसंख्यक छात्र इस केस को केस को भली भाँत अवगत होंगे भली बात जानते होंगे तो मैं इस केस को बताने का इस पहले तो इस केस और उसके बाद इस केस का फैक्ट तथ्य क्या है तथ्य के माध्यम से इसमें अंतिम निर्णय क्या आया ये बताने का प्रयास करूंगा कन्हैया कुमार मामला भी राजद्रोह से संबंधित है इसमें याचिकाकर्ता कन्हैया कुमार के विरुद्ध भारतीय जनसंख्या की धारा 124 सौ क के अंतर्गत सेडिसन का राजद्रोह के लिए इनको अभियोजित किया गया था साक्ष्य इस प्रकार से थे कि 6 फरवरी 2016 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय प्राधिकारियों से छात्र संगठन जो कि ए आई एस ए बोलते हैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का एक छात्र संगठन है उन छात्र संगठनों के द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से अनुमति मांगी गई कि कुछ छात्र जो इस समूह से संबंध रखते हैं वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहते हैं जिसका टाइटिले है द पोइट्री रिसाइटिंग अ कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस उसका एक टाइटिल था इस तरह से कि एक काव्य पाठ करना है कि एक वो मंचन करना चाहते हैं नाटक मंचन करना चाहते हैं और जिसका नाम है पोएट्री अ कंट्री विदाउट अ कंट्री विदाउट पोस्ट ऑफिस इस तरह से एक मंचन के माध्यम से वो अपने कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय दिस, प्रशासन से अनुमति ली विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा टाइटल को देखते हुए उन लोगों ने पहले तो अनुमति दे दिया कि ये कराएं कोई प्रॉब्लम नहीं है परंतु जब उस टाइटल को गहनता से अध्ययन किया गया तो ये पाया गया कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाला था उसके पीछे जो वास्तविक मंशा थी उसमें मकबूल भट्ट और अफजल गुरु जो भारतीय संसद पर हमले के दोषी थे और जिसको भारतीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भी कैपिटल पनिशमेंट दिया गया मृत्युदंड दे दिया गया था उसकी बरसगांठ पर उसकी बरसी पर यह आयोजन होने जा रहा था और इस आयोजन से कहीं से इनपुट मिला प्रशासन विश्वविद्यालय प्रशासन को कि यह आयोजन के पीछे यह मनशा है और उसमें कुछ इस प्रकार के घटनाएं हो सकती हैं जिससे विश्वविद्यालय का माहौल बिगड़ सकता है छात्र संगठन एक दूसरा छात्र संगठन उस मामले को विरोध किया कि यह इस आयोजन होने से छात्रों के दो गुटों में आपस में लड़ाई हो सकती है और ये ये, ये राष्ट्र विरोधी भी गतिविधियों इसमें यहाँ से हो सकती हैं कुछ ऐसे नारे दिए जा सकते हैं इस आशंका में विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो पहले अनुमति दी गई थी उसको तो कैंसिल कर दिया गया कि अब यह अनुमति नहीं है इस कार्यक्रम को करने की अनुमति नहीं है उस घटना के पश्चात छात्रों का एक समूह 9 फरवरी 2016 को पुनः उस घटना उद्देश्य चूंकि उसमें उद्देश्य था अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के जुडिशियल किलिंग को इन लोगों का मानना था कि जुडिशियल किलिंग है और उसी मामले को लेकर के छात्रों का एक समूह विशिष्ट समूह अपनी नाराज़गी जताना या उसको किसी रूप में कहें आयोजन करना चाह रहा था जिसको कि विश्वविद्यालय प्रशासन और स्थानीय पुलिस प्रशासन ने उसको निष्फल कर दिया तो मैं बता रहा था कि कन्हैया कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ डेली एन में क्या घटना घटित हुई किस तरह से जवाहरलाल नेहरू जैनू में एक कार्यक्रम के दौरान अभियुक्त को अभियुक्त के सहयोगियों के द्वारा देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई जैसा कि मैंने बताया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के अंतर्गत जब 9 फरवरी 2016 को मकबूल भट्ट और अफजल गुरु के जुडिशियल किलिंग को लेकर के संबंधित छात्र संगठनों के द्वारा आयोजन किया जा रहा था तो वहाँ पर अरिनव भट्ट भा, कुछ ऐसे अभियुक्त जो कन्हैया कुमार के सहयोगी थे शाहिला रसीद उमर खालिद जो देश विरोधी गतिविधियों में ऐसा एक न्यूज़ चैनल के द्वारा पब्लिक किए गए सीडी के माध्यम से पूरे देश को यह ज्ञात हुआ कि उस घटनाक्रम में इन इन अभियुक्तों के द्वारा जिसमें कि जो नाम मैंने बताए उमर खालिद साहिला राशिद और नव भट्टाचार्य ऐसे कुछ सहयोगी थे कन्हैया कुमार के जो कि उस आयोजन को कर रहे थे और वहाँ से किसी ने देश विरोधी नारे लगाए गए और उन देश विरोधी जो सात प्रकार के स्लोगन वहाँ पे उस कैंपस में बोले गए वो निश्चित रूप से उस स्लोगन को सुनने के पश्चात कोर्ट को यह डिसाइड करना है कि क्या उस प्रकार के बोले गए वक्तव्य दिए गए भाषण राजद्रोह की परिधि में आते हैं या नहीं आते हैं उस स्थान पर जो छात्र संगठनों के द्वारा और याचिकाकर्ता के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे कि वहां से सात बातें बोली गई पहला तो इंडियन आर्मी भारतीय सेना के विरुद्ध बोला गया देश के विरुद्ध बोला गया वो मैं उद्धृत करना चाहूँगा जिससे कि इससे संबंधित सभी पक्षों को सामने सभी तथ्य सामने होने से हम एक निष्कर्ष पर पहुँचने में सहूलियत होगी और न्यायालय को भी सडसन से संबंधित मामलों को डिसाइड करने में सहूलियत होगी पहला जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया गया उस समूह के द्वारा वह था भारत तेरे टुकड़े होंगे इन इनशाला इस तरह के स्टेटमेंट दिए गए तो इस स्टेटमेंट के आधार पर आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए पहला पहला स्लोगन दिया गया पहले नारेबाजी की गई नारा अभिव्यक्त की स्वतंत्रता को किस रूप में प्रयोग किया गया उस कैंपस में आप देखें पहला भारत तेरे टुकड़े होंगे टुकड़े होंगे इन दूसरा भारतीय आर्मी नेशनल जो इंडियन आर्मी मुर्दाबाद इस तरह के नारे लगाए गए भारतीय सेना के विषय में मुर्दाबाद के नारे लगाए गए तीसरा स्लोगन जो है वह है गो इंडिया गो बैक ये भी नारा है ये सब कुछ फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है जो कुछ मैं बोल रहा हूँ ये सब ऑन रिकॉर्ड है फैक्ट है तथ्य है जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ओ सी के माध्यम से भेजा गया गो इंडिया गो बैक ये भी उसमें दी गई अफजल तेरे कातिल अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं इस प्रकार के स्लोगन वहाँ पर बोले गए इट मीन्स कि दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द जजमेंट वे वह छात्रों का वह समूह या जो भी नारेबाजी की गई वह स्लोगन अफजल गुरु और मकबूल भट्ट के विषय में उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को वो गलत मान रहे थे जुडिशियल किलिंग कर रहे थे कह रहे थे तो अगला स्लोगन हो गया कि अफजल हम शर्मिंदा हैं तेरे कातिल जिंदा हैं इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया गया भारत आजादी लेंगे बंदूक के दम पर यह इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए अब इन सात जो भी ये स्लोगन नारे दिए गए इन नारों के आधार पर संबंधित व्यक्तियों और खाली दर्ण जितने भी अभियुक्त थे उनको अरेस्ट कर लिया गया गिरफ्तार कर लिया गया और अभियुक्त के विरुद्ध याशियाकर्ता कन्हैया कुमार के विरुद्ध भी भारतीय जनसंहिता की धारा एक क के विरुद्ध राजद्रोह का मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया अभियुक्त न्यायालय के समक्ष दलील देता है तर्क प्रस्तुत करता है कि चूंकि अभियुक्त छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते उस घटनास्थल पर पहुंचता है और यह छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते उसका दायित्व था कि दो छात्र गुटों में किसी प्रकार से कोई विवाद न हो विवाद सुलझाने के लिए जब उसको सूचना मिली कि इस प्रकार से दो छात्रों में आपस में विवाद हो सकता है तो कन्हैया कुमार छात्र संघ तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष होने के नाते उस घटनास्थल पर पहुंचा न तो उनके द्वारा कोई इस प्रकार के शब्द बोले गए न तो उनकी इस सभी मामलों में किसी प्रकार सक्रिय संलिप्तता थी यह तर्क प्रस्तुत किया गया पेटिशनर कन्हैया कुमार के द्वारा न्यायालय के समक्ष अतः इस आधार पर पेटिशनर को जमानत दे दिया जाए और जमानत की अन्य कुछ शर्तें थीं कि पेटिशनर इस स्थिति में नहीं है कि बांड की धनराशि बहुत ज़्यादा हो पेटिशनर लॉ अबाइडिंग है कानून मानने वाला व्यक्ति है तो इन आधारों को ध्यान में रखते हुए जमानत दे दिया जाए बेल दे दिया जाए अब अभियुक्त को धारा तीस धारा एक सौ चौबीस कौ के अंतर्गत राजद्रोह के लिए जब गिरफ्तार किया गया तो अभियुक्त अपनी गिरफ्तारी की वैधता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिया सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन याचिका दायर करते हैं कि उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए उच्चतम न्यायालय के द्वारा उनके बेल एप्लीकेशन को मार्क कर दिया जो ट्रांसफर कर दिया गया और यह कहते हुए कहा गया कि आप अपनी बेल दिल्ली हाई कोर्ट से लें दिल्ली उच्च न्यायालय से लें अभियुक्त याचिकाकर्ता दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष याचिका प्रस्तुत करता है अब दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को जमानत देते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा गया दिल्ली हाई कोर्ट का इसमें निर्णय और ऑब्जेक्शन बहुत ही रिमार्केबल है बहुत ही ध्यान देने योग्य है जो कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की है इस केस में कन्हैया कुमार केस को लेकर के ले वह महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा यह निर्णित किया गया कि जो कुछ भी ये सात स्लोगन दिए गए हैं इनके समूह इस छात्र समूह के द्वारा उससे ऐसा प्रतीत होता है कि छात्रों की मनसा या उस छात्र संगठन की मनसा देश के प्रति सही राय नहीं रखते और हम सुरक्षित हैं दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट है कि हम सभी सुरक्षित हैं यह छात्र भी सुरक्षित हैं इसलिए सुरक्षित हैं कि हमारी भारतीय सेना सीमा पर रह करके हमारी सुरक्षा कर रही है और जिसके विरुद्ध ये नारेबाजी की जा रही है वह देखने योग्य है कि वह सेना की कारण ही भारतीय सेना सीमा पर है इस वजह से हम सुरक्षित हैं और भारतीय सेना के विरुद्ध मुर्दाबाद ऐसे भारतीय सेना के प्रति असंतोष पैदा करना उसके प्रति डिसलायल्टी शो करना उसके प्रति घिड़ा और मानना पैदा करना जनसमूह में यह गलत प्रतीत होता है दूसरा पॉइंट दूसरे बिंदु पर हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि जब किसी भी व्यक्ति को साधारण बीमारी हो जाती है तो हम पहले उसको ट्रीटमेंट पहला ट्रीटमेंट करते हैं एंटीबायोटिक देते हैं यदि एंटीबायोटिक यदि एंटीबायोटिक दवा से उसका इलाज नहीं हो पाता तो फिर डॉक्टर उसकी सर्जरी करता है उसका ऑपरेशन करता है और सर्जरी भी इस सीमा तक हो जाए कि अब उसको उस भाग को काट करके शरीर से निकालना ही होगा बढ़ना हुआ इन्फेक्शन शरीर में और प्रभावित करेगा शरीर के और अंगों को इन्फेक्शन देगा तो ऐसी स्थिति में डॉक्टर के लिए भी ये ज़रूरी हो जाता है कि वह जहर वह इन्फेक्शन शरीर के पूरे भाग में न फैले गैंग्रीन हो जाने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने यूज किया कि अगर गैंग्रीन जैसी बीमारी हो जाए तो गैंग्रीन को रोकने के लिए शरीर के उस पार्ट को कट कर दिया जाता है जिससे कि वह गैंग्रीन शरीर में और इन्फेक्शन ना हो पाए और फैल ना पाए तो हम इस मामले में देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले में देखते हैं दिल्ली हाई कोर्ट को ऐसा लगता है कि यदि मामला यदि डॉक्टर जब एंटीबायोटिक से कोई बीमारी ठीक नहीं कर पाता तो वह सर्जरी ऑपरेशन के लिए बोलता है और ऑपरेशन भी जब इस स्थिति में हो जाए कि शरीर के उस अंग को काट देना ही जरूरी आवश्यक है तो डॉक्टर के चिकित्सक के द्वारा सर्जरी किया जाना आवश्यक है अतः ऐसा प्रतीत होता है कि प्रस्तुत मामले में जो कुछ भी घटना हुआ वह देश हित में नहीं कहा जा सकता है फिर भी फिर भी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा पिटिशनर याचिकाकर्ता कन्हैया कुमार को अंतरिम इंटरिम बेल दी गई सशर्त जमानत दिया गया इस शर्त पे दिया गया कि वह प्रशासन को सहयोग पुलिस प्रशासन को अन्वेषण में सहयोग करेंगे गवाहों को साक्षियों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वे सभी कार्य जो न्याय हित में होगा न्यायालय के द्वारा कहा गया कि यह बांड की जो धनराशि है यह कन्हैया कुमार पर अध्रोपित की जाती है और उनको जमानत पर अंतरिम जमानत पर इंट्रिम बेल पर छोड़ा जाता है छोड़ने का आदेश दिया जाता है और इन परिस्थितियों में हाई कोर्ट के द्वारा उनको एंट्रीम बेल अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया तो यह भी एक राजद्रोह से संबंधित बहुत ही जुलंत मामला है और चार सीट मामले में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस मामले में चार सीट बहुत विलम्ब से दिया गया आरोप पत्र इस मामले में पुलिस दिल्ली पुलिस के द्वारा बहुत विलम्ब से द, प्रस्तुत किया गया कन्हैया कुमार के मामले में तो मैं ये जो बताने का प्रयास कर रहा था कि कैसे इस मामले में राजद्रोह के धाराएं लगाई गईं और राजद्रोह पर संबंधित एक महत्वपूर्ण केस है तीसरा जो महत्वपूर्ण जो अगला महत्वपूर्ण केस है वह मैं बताने का प्रयास कर रहा था एक असीम त्रिवेदी कार्टूनिस्ट थे उस असीम त्रिवेदी कार्टूनिस्ट के विरुद्ध भी राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया उन्होंने बॉम्बे में जब अन्ना हजारे और उनके सहयोगियों के द्वारा इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मूवमेंट आंदोलन चलाया जा रहा था तो उन्होंने कैरिकेचर के माध्यम से कुछ कार्टून के माध्यम से भी दिखाने का ऐसा प्रयास किया जिससे कि भारत सरकार जिससे कि भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना जैसा प्रतीत हो रहा था अतः इस आधार पर बॉम्बे पुलिस के द्वारा उनके विरुद्ध धारा एक सौ चौबीस के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए उनको गिरफ्तार कर लिया गया अरेस्ट कर लिया गया उसका साक्ष्य उसका फैक्ट असीम त्रिवेदी के मामले में भी मैं तथ्य को बताने का प्रयास करूंगा जिससे इससे संबंधित समस्त कानून आप समझ सकें तो अब हम देखते हैं असीम त्रिवेदी मामले में राजद्रोह से संबंधित प्रावधान को कैसे असीम त्रिवेदी के विरुद्ध कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी के खिलाफ भी राजद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया गया मुझे लगता है कि आप सभी इस केस को भी जानते होंगे बहुत ही सेंसेशनल केस था और मीडिया के माध्यम से इसको भी बहुत हाईलाइट किया गया था उनको भी पहले आईटी एक्ट के अंतर्गत एक सूचना प्रौद्योगिकी एक अधिनियम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है उसकी धारा 66 ए है उसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी कोई चीज़ प्रकाशित करता है तो और वह देश हित में नहीं है उस पर भी यदि वही कंटेंट हैं जो व्यक्ति बोलने जो व्यक्ति बोलने से धारा एक के अंतर्गत मामले को कवर किया जा सकता है और उस चीज़ का इलेक्ट्रॉनिक अगर मीन से भी ईमेल के द्वारा या फेसबुक के माध्यम से यदि प्रेजेंटेशन किया जाता है जिससे कि भारत में द्वारा सरकार द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना होती है तो इस चीज़ को भी इस कथन को भी धारा एक ट्वेंटी फोर वन ट्वेंटी फोर एक में लाया जा सकता है तो देखें राजद्रोह का जो कानून है उसके अंतर्गत मैंने जैसा कि बताया न केवल बोले गए शब्द के द्वारा प्रकाशित लेख के द्वारा दिखाए गए चलचित्र के माध्यम से दृष्ट जेस्चर के माध्यम से बल्कि संकेत के माध्यम से साइन के माध्यम से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी यदि ऐसा प्रयास किया जा रहा है जो कि भारत में स्थाप भारत में विद्य द्वारा स्थापित सरकार की अवमानना या उसके प्रति घृणा पैदा करने का प्रयास है तो उसको भी राजद्रोह की श्रेणी में लाया जा सकता है इसमें असीम त्रिवेदी के विरुद्ध भी धारा एक सौ के, के अंतर्गत राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया मैं समझता हूं कि अब यह समय आ गया है कि धारा एक सौ से संबंधित कानून को पुनः समीक्षा करने की आवश्यकता है और इसी परिप्रेक्ष्य में जो भारत में लॉ रिफॉर्म समिति बनी है उसको भी इसमें कुछ संशोधन करने इससे पहले मैं ये बताऊं यह बताना यहाँ पे ज़्यादा प्रासंगिक है कि धारा एक सौ में राजद्रोह से संबंधित कानून को सुधारने का पहला प्रयास और कब कब प्रयास किया गया राजद्रोह से संबंधित कानून को सुधारने के लिए राष्ट्रीय विधि आयोग के द्वारा जिसको हम नेशनल लॉ कमीशन बोलते हैं राष्ट्रीय विधि आयोग के द्वारा वर्ष 1971 में 1971 में अपनी रिपोर्ट में यह कहा गया कि राजद्रोह जो 124 सौ क में परिभाषित किया गया है विधि द्वारा स्थापित सरकार में यह थोड़ा सा संकुचित है नैरो है इसमें यह कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भारत की विधायिका भारत का संविधान या भारत की न्यायपालिका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस तो राष्ट्रीय विधि आयोग के द्वारा वर्ष उन्नीस में एक जो महत्वपूर्ण सुझाव दिया गया सेडिसन को राजद्रोह को लेकर के धारा एक क में संशोधन को लेकर के कि इस धा इस धारा के अंतर्गत उन कृत्यों को भी लाया जाए वे कार्य भी लाए जाए जो कोई संविधान का उल्लंघन करता है संविधान के विपरीत बात करता है या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस न्याय प्रशासन के विपरीत कोई बात करता है लेजिस्लेचर के अगेंस्ट कोई टीका टिप्पणी करता है या लेजिस्लेचर पर तो राष्ट्रीय विधि आयोग का ये मानना था कि ये तीन बिंदु इसमें मिसिंग हैं एक क के अंतर्गत ये तीन बिंदुओं पर ध्यान नहीं दिया गया क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पे कोई टीका टिप्पणी करे संविधान देश की जो सर्वोच्च विधि है उस पर कोई टीका टिप्पणी करे लेजिस्लेचर के विषय में कोई टीका टिप्पणी करे या तीसरा जो दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस पर कोई टीका टिप्पणी करे तो इससे संबंधित जो 1971 में राष्ट्रीय विधि आयोग ने सिफारिश की कि इसको भी ऐड किया जा सकता है अब राजद्रोह से संबंधित अगर हम कानून अपने हैं और अंग्रेजी विद के अंतर्गत देखें जो इंग्लैंड के विद के अंतर्गत देखें तो स्टीफन के द्वारा एक अंग्रेजी विधि में जो सेडिसन है उसको और भारतीय सेटिसन लॉ जो सेटिसन लॉ है राजद्रोह से संबंधित कानून है उसका यदि तुलनात्मक अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि भारत में जो राजद्रोह का कानून है वह ज़्यादा वाइडर है वहाँ पे स्पेसिफिक विशिष्ट कार्यों को करने पर ही राजद्रोह के मुकदमे पंजीकृत किए जाते हैं जबकि जबकि भारत में धारा 124 सौ का के अंतर्गत राजद्रोह के मामले के दुरुपयोग की संभावनाएं ज़्यादा मिली हैं तो इसको हम अगर उस परिपेक्ष में देखें तो निश्चित रूप से पाएंगे कि प्रायः इसको देखते हैं कि राजनीतिक दुरुपयोग के लिए एक धारा 124 का लगाई जाती है परंतु फिर भी न्यायालय की टीका टिप्पणी के माध्यम से ऐसा देखने को मिलता है और इसको उस पर हम बहुत ज़्यादा नहीं जाने का प्रयास करेंगे परंतु सुप्रीम कोर्ट ने जो कन्हैया कुमार के मामले में डॉक्टर विनायक सेन के मामले में जो निर्णय दिया है ये निश्चित रूप से देखिए डॉक्टर विनायक सेन के केस में दिया गया निर्णय निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा कि एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और उससे उस मामले में डॉक्टर विनायक सेन के मामले में तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी संस्थाएं हैं वो भी वाच करने लगें कि इसमें क्या होता है क्या हो सकता है तो एक उसको उस मामले में और सक्रियता कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी देखने के लोगे लेकिन फिर भी उच्चतम न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया डॉक्टर विनायक सेन के मामले में धारा एक सौ चौबीस का को, को ध्यान में देखते हुए वह शब्दावली व संप्रेषण जो ऑब्जर्वेशन उसको जरूर याद रखें और ऑब्जर्वेशन भी परीक्षाओं में बहुत बहुत पूछे जाते हैं कि किस मामले में उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह ऑब्जर्वेशन दिया गया कि गांधी साहित्य रख लेने मात्र से वह व्यक्ति गांधी विचारक नहीं हो सकता जैसे कि नक्सल साहित्य का किसी पास से पाया जाना वह व्यक्ति नक्सलवादी नहीं घोषित किया जा सकता या नहीं माना जा सकता अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वो नक्सलवादी है तो ये जो ऑब्जर्वेशन उस केस में था उस ऑब्जर्वेशन को याद रखने की ज़रूरत है छात्रों के लिए इसके जो आवश्यक तत्व हैं वन में उसको और इन केस के माध्यम से अगर आप उसको संक्षेप में लिखने का प्रयास करेंगे तो एक कर सौ से संबंधित सभी पहलुओं को इसमें इस व्याख्यान इस के माध्यम से कवर करने का प्रयास किया गया है और जो रिसेंट केस भी हैं मैंने जैसा कि बताया कि बाल गंगाधर तिलक से लेकर के और कन्हैया कुमार तक की जो केस है उसको मैंने उद्धृत किया और इतने केस ज्ञान अर्जन के लिए कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होगी भारत में उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि इन बातों का समावेश हो इन केस लॉ का समावेश हो इन तथ्यों का समावेश हो तो मुझे पूरा विश्वास है कि स्टेटिसम से संबंधित कोई भी पक्ष छूटा नहीं हुआ है ऐसे ने भी मामले हैं जब सुप्रीम कोर्ट ने बिलाल की केस में कहा कि जहां पर दो व्यक्ति केवल नारे लगा रहे हैं खालिस्तान की मांग कर रहे हैं नारे लगा रहे हैं केवल नारेबाजी कर लेने से तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मात्र नारेबाजी कर लेने से नारेबाजी करना कि हम पृथक खालिस्तान की मांग कर रहे हैं या मुर्दाबाद की नारे लगा लेने से यह राजद्रोह का बिलाल का केस एक है तो यह उस ऐसे स्टेटमेंट को वक्तव्य को राजद्रोह के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता है इंसाइटमेंट होना चाहिए कि मतलब एक जो उसका बेसिक तत्व है कि अगर कोई ऐसा स्पीच दिया जाए जो कि राज विद द्वारा स्थापित सरकार में अवमानना के साथ साथ उसको अस्थिर करने का भड़काने का प्रयास तो उस बिलाल की केस में भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मात्र जहाँ पर दो व्यक्ति ऐसा स्लोगन दे दें खालिस्तान की और उनके विरुद्ध जो 124 का का मामला पंजीकृत किया गया है राजद्रोह का मामला पंजीकृत किया गया है ये उचित प्रतीत नहीं होता है इस तरह से अन्य भी इसमें अन्य बहुत सारे केसेस हैं लेकिन इतना जो मैंने केस बताया कि वह केदारनाथ की केस बाल गंगा केदारनाथ का केस उसके बाद दूसरा है डॉक्टर विनायक सेन का केस और तीसरा है कन्हैया कुमार का केस इन तीन केस को संक्षेप फैक्ट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इनके तथ्य को कैसे संक्षेप में लिखें और संक्षेप में हम उसको लिख करके उस पर उच्चतम न्यायालय का क्या दृष्टिकोण है इसको यदि लिख दें तो निश्चित रूप से वह पूरा उस मामले में सभी पक्षों को कवर कर लिया मान लिया जाएगा यह संभव नहीं है कि पूरे तथ्य को लिखा जाए से संबंधित कि कितनी घटना घटित हुई निश्चित रूप से किसी तारीख और समय पर वह स्टेटमेंट दिया गया होगा बहुत सारे लोग उसमें रहे होंगे और तारीख़ और समय का उल्लेख जो ओरिजिनल चार्जशीट होती है न्यायालय के समक्ष आती है कन्हैया कुमार की केस में लगभग हज़ार पेज की चार्जशीट है तो अगर हज़ार पेज की चार्जशीट है तो उसको लिखने फैक्ट उतना फैक्ट लिखना संभव नहीं है और न तो उतना बोलना एक लेक्चर में एक घंटे के लेक्चर में उतना संभव है कि चार्जशीट में जो आई सभी तथ्य को फैक्ट को अगर नरेट किया जाए तो मैं समझता हूँ कि एक केस को ही डिस्कस करने में टाइम लगेगा तो सबसे बेस्ट तरीका यह है सभी छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों के लिए कि हम अपनी बातों को संक्षेप में कितना लिख सकें केस जो हमारे सामने है महत्वपूर्ण जो लीडिंग केसेस हैं उसके हम तथ्य को कितना संक्षेप में कर सकें अपनी बात को कम से कम बातों में समझा सकें और उच्चतम न्यायालय का जो निर्णय है उसको एग्जैक्ट एक, एक अगर वाक्य में बता सकें तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही होगी और उसके पश्चात वह हकदार है अधिकारी है मांस लेने का मांस पाने का तो मैं समझता हूँ कि इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मुझे पूरा विश्वास है कि सभी छात्र राजद्रोह से संबंधित कानून उससे संबंधित विधि और उससे संबंधित जो उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण केस हैं अवगत होंगे राष्ट्रीय विधा राष्ट्रीय विधि आयोग का उस पर क्या विचार है और अभी वर्तमान में उसमें जो लॉ रिफॉर्म कमेटी जो विधि सुधार समिति बनी है क्या निर्णय लेने जा रही है ये आगे आने वाले समय में इसको देखेंगे इतना बताने के पश्चात मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग मेरी बात को समझे होंगे धन्यवाद थैंक यू